लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक रब अंबर पे होता है, एक रब धरती पे होता है। अंबर तक पहुंचा हमको नहीं पता, धरती पे जो रब होता है वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता, वो है पिता। सबसे पहला धर्म है जिसका अपना घर संसार, सबसे पहला धर्म है जिसका अपना घर संसार, सबसे पहला कर्म है जिसका अपनों का उद्धार। उसके बिना हम कौन, उसके बिना हम कौन, हमको नहीं पता, धरती पे जो रब होता है वो है पिता, वो है पिता। भाई, अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ प्रणाम। इंतजाम सब ठीक है? ला रहे हमारा ड्रिंक हुआ। कहा रे उद्या, कितने के ला रहे बैल? अरे ऐसा जोड़ी लाया हूँ जिसकी कीमत ही नहीं हो सकती। अच्छा, फिर भी जीतेंगे तो मेरे ही बैल। देख लेंगे, फिलहाल बर्फ दो। ए, मेरी जी, जरा बर्फ ला के दे। जी मालिक। अच्छा, खा जाओगे काऊ का? बहुत तेज नजर है तुम्हारे, तू जैसे दूध का धुला है। जय राम जी की ठाकुर साहब। हाँ जय राम जी की वीर सिंह जी। का बहुत देर कर दी, का पियोगे? नहीं नहीं, आज नहीं ठाकुर साहब। का? अरे आप नहीं पियेंगे तो ये खबर अखबार में छप जाए। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब, कल पियेंगे मुकाबला जीतने की खुशी में। जीतने का खुशी में? हाँ, वो भी हमारा मुकाबले में। अरे ठाकुर, जिंदगी भर इंतजार करो फिर। आप ऐसा करो, आज खुशी में पी लो और कल हारने का गम में पी लेना। ए बुधवा, एक ठो ड्रिंक बना ठाकुर के लिए तगड़ा। का रे राम लखन, ये का पी रहे हो तुम? बियर पी रहे हैं चाचा जी। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। और तुम्हारी? 23 साल चाचा जी। अरे शर्म नहीं आती तुमका यहाँ बैठ के बियर पी रहे हो? पीने दीजिए ना बाबूजी। तू चुप रह नालायक। ए अयोध्या, ठाकुरों का नाक कटवाएगा का? अरे कितनी बार समझाया सुनते ही नहीं। तो दो देना कस के झापड़ ससुरा को। ए बुधवा जी मालिक, उठा ही बियर का गिलास। जी। और रख हुआ बिस्की का गिलास। बच्चो बना बिस्की। जयराम जी की। हाँ जयराम जी की। आओ आओ जल्दी से ऊपर आ जाओ। ये कौन है? ए उदम जी मालिक। यहाँ रे, ये कौन लौंडा आया रे बैल लेके? ये कहाँ का ठाकुर है? ठाकुर नहीं है मालिक, माधवपुर का बैजू है। बैजू? जी मालिक, जौनपुर सोनपुर के मुकाबले में इसी के बैल तो जीते थे। ए बैजू उठ, अपने बैलों को लेके चलता बन। का है? इस मुकाबले में तू हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? ये ठाकुरों की दौड़ है। तो दौड़ में ठाकुर भागेंगे या बैल? और बैलों की कौन सी जात होती है ठाकुर साहब? जितना बोला ना उतना कर।
बैलों को ले और चलता बंद। मैं तो कल हिस्सा लूंगा, ठाकुर साहब सामने खड़े हैं, अगर कह दे कि डर गए तो मैं चला जाऊंगा। बहुत छोड़, चल बेचे। जब देखो पागल बैल की तरह मारने को दौड़ता है। देखो बेटे, तुम्हें दौड़ में हिस्सा लेना है जरूर लो, लेकिन ये अपने बैल यहां से खोल के मुहां बांधो बाहर। कहा है कि ये सब बैल ठाकुर लोगन के हैं, वो सब लोग बुरा मानेंगे, समझे? जाओ, शाबाश, तुम समझदार हो। चलो मेरे राजा, चलो। बैजू, क्या है? खूंटा निकाल और अपने बैलों को लेकर चलता बन। क्या है? कल के मुकाबले में तेरे बैल नहीं तोड़ेंगे। मैं तो कल अपने बैल लेके वहां पहुंच जाऊंगा। सारे गांव वाले के बीच ठाकुर अपनी हार मान ले, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे ठाकुर के मूछों की शान कैसे रहती है। चल जा, आप सोने दे। सुनेगा नहीं तू। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मैं अपने बैल लेके यहां से चला जाता हूं। भोला, कितना सजेगा रे तू? रामपुर जाने की क्या जरूरत है भैया, आज रात यहाँ भी तो मुजरा होगा। अरे यहाँ बाबूजी खुद मचान पर बैठेंगे, हम क्या खाक शिकार करेंगे? रामपुर ही चलते हैं, और वैसे भी नैना जैसी कटीली लौंडिया सारे शहर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये सच है भैया कि उस दुग्गी की याद आते ही खून खौलने लगता है, लेकिन रात भर के 50,000 रुपए भी तो मांगती है। अरे है जेब में, ऐसे थोड़ी जाएंगे हम। कहां से आए इतने रुपए तुम्हारे पास? बाबूजी के तिजोरी की एक और चाबी बना ली है मैंने। भैया मतलब? अरे तू चलना यार, दिमाग की खिचड़ी मत बना, चल। अयोध्या, आज शाम को मुजरा में हारमोनिया पे बैठोगे? अच्छा, मुझे बिठा दो हारमोनिया पे, तुम्हारा मैदान साफ। क्या हुआ? अरे कुछ ना है, अबे दबाना। चाय तो पियेंगे भाई साहब। अरे आज कोई चाय पीने का दिन है, जरा ठंडा बियर भिजवा दो। नहा काहे नहीं लेते शराब में? प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे जीते रहो। तुम लोग बंधन के कहाँ निकले? वो रामपुर में हमारा दोस्त है ना, गगन बिहारी सिंह, आज उसकी शादी है। गगन बिहारी? अरे वो रामपुर का पट्टा, 2 हफ्ते पहले भी उसका शादी हुई थी, है ना? वो बाबूजी कहना। अरे हम सब जाने थे, वो का है रामपुर मा एक ठो नई लौंडिया आई है, का नाम है उका? हाँ नहीं ना, मुजरा करती है ससुरी, पूरे गांव में चर्चा है उका। 2 हफ्ते पहले भी तुम हुआ है ना वहाँ? हाँ भाजी हुआ थे। जाओ जाओ। अरे रुको, कहाँ भेज रहे हैं इन्हें? अरे जाने दो, जाओ जाओ। जी भाजी। और सुनो जी भाजी, वो तिजोरी से 50 निकाल लिए थे ना तुम लोग, प्यार से खर्चा करना। जाओ जी भाजी। अरे बुड़बक, एक ही तरफ दबाओगे तो दूसरी तरफ लकवा मार जाए। तुम काहे मुंह फुलाए बैठी हो? बिगाड़ो बेटवन को, पछताई हो एक दिन। अरे बच्चे जवान हो गए, इनका उम्र में तो हम काका गुल खिलाए रहे, क्यों अयोध्या? ठंडा पिया भिजवाए दो। ए जरा संभल के। Thank you.
घागरा ऊपर तंग तंग चोली लेके आई ऐसन जवानी चल गई ना गोली। अरे हमका भी देके जाओ कोनो निशानी कहाँ लेके जाओगी इन नमकीन जवानी आए मेरी जवानी किसको मिलेगी चुमक 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 इसको मिलेगी उसको मिलेगी चुमक चुमक पतली कमरिया का झटका हम तो अटके साला पूरा यूपी बिहार भी अटका। बीस रुपया दो मालिक बच्ची बहुत भूखी। अरे बखाते का पैसा मांगने का ससुरा था मालिक रैम करने वाली बीस उदाम निकाल ऐसी कुछ खाए नहीं है मालिक रैम करने वाली दो तीन चल रहे हैं सारे निशाने मेरे बन रहे हर जुबान पे चर्चा है मेरा ऐसी कयामत है रूप मेरा चुमक 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 हर जुबान पे चर्चा है मेरा ऐसी कयामत है रूप मेरा जलवे अपने जो मैंने दिखाए हर शहर से आशिक जाके आए चाहे दिल्ली हो या कलकत्ता लागू हुए दिल का करार लौटने
तुम लोग अभी तक बैठे हो? कोठा तो बंद हो गया। वो हम नैना के लिए रुके ना। नैना के लिए काहे? आज रात वो हमारे साथ गुजारने वाले है ना। लेकिन वो तो चली गई चौधरी के साथ। ये ऐसे कैसे 50,000 की बोली हमारे साथ की थी? 50? 65 दे गया चौधरी। मगर जबान तो हमको दे थे। भैया ये कोठा है, यहाँ पैसा चलता है, जबान नहीं। जाओ कल रात जाएगी नैना तुम्हारे साथ। ये ठाकुर है हम, और मुझे तुम्हारी ये मेहरबानी नहीं चाहिए। नैना को तो आज ही ले जाएंगे, वरना ये कोठा बंद करवा दूंगा। ए? जवानी गुजर गई ठकुराई देखते। यहाँ कोठे पे सिर्फ चूड़िया नहीं खनकती, बखत आने पर कट्टा तमंचा और रामपुरी भी चलता है। चलो दफा जाओ यहाँ से। ए, देख लूंगा तुझे। ए, नंगा करके बाहर भिजवा दूंगी, चल भाग यहाँ से। बड़े आए कोठा बंद करवाने वाले। चलो रे चलो बैठते हैं, बोतल खोलो चलो। ए चल खड़ा मत रह, इधर आ। अरे तुझे बोला ना काम करने के लिए। ठाकुरान चलिए बोरी उठा। ठाकुरान ये बोरी उठा। ठाकुरान काम कर। बेगान मालकिन बेगान मालकिन बेगान मालकिन बेगान मालकिन बेगान मालकिन। अरे मारत काहे हो उधम, उका प्यार से समझाओ। प्यार से समझाओ। नमस्ते। का ठुका मारती है ये ससुरी। अरे सुबह सुबह भगवान का दर्शन करके आई हो, अब का उधर दीदा फाड़ के देख रही हो? लाओ प्रसाद दो। पहले स्नान कर लो। चलो मिठाई समझ के दे दो। लाओ 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 जल्दी करो। ए सुर्खिया सो गए का? चल। जी नहीं मालिक। चल का गर्मी है ससुरी। सुर्खिया। जी मालिक। एक ठो काम कर। हाँ। कौनो बढ़िया गड्ढा देख के इस छतरी का गाड़ दे उमा। जी मालिक। इधर आ। का जी मालिक? ससुरा खोली का खोपड़ा जल रहा हमारा। हाँ। खुद ससुरा पगड़ी बांध के घूम रहा है। ठीक से खड़ा है। का उधम काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा मालिक। चूड़ा खाएगा? चूड़ा लगावा साबुन। अरे ठाकुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ए मुनीम जी। हाँ सरकार। यहाँ हुआ? हाँ सरकार। कितना बोरी हुआ? 200 मालिक। और कितना बाकी? 50। तो जाओ जल्दी लदवा, हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाओ मुनीम। अरे छतरी पकड़ ठीक से नालायक। लगावा साबुन। देखो मालिक ये आया भीमा। ठहर राम राम मालिक। अरे भीमा कल रात खलिहान से धान चुराए। हा माफ कर देना मालिक, बच्ची भूख से तड़प रही थी, मांगने पर किसी ने 20 रुपए भी नहीं दिए, तो यहाँ चला आया। यहाँ से जाते हुए देखा खलिहान में मजदूर टूटे चावल नाली में फेंक रहे थे, बस मालिक वही चावल अपने गपचे में बांध कर घर लेके गया। मालिक गलती हो गई मालिक, मालिक बच्ची बहुत भूखी थी मालिक। देखो चोरी तो चोरी होता है बीमा, आज तुम चुराए कल कोई और चुराए परसों कोई और चुराए। हाँ? बात तुम्हारा बच्ची का है, ये वास्ते 30 का बजाय 20 कोड़ा मारो तुम। नहीं मालिक माफ कर देना मालिक, मालिक एक बार माफ कर देना मालिक, मालिक एक बार माफ कर देना मालिक। इनकी हिम्मत ठाकुर कि तेरे राज में चोरी करे? तुम्हारा बिटवा कैसे थे? अच्छा ये सब कहते थे मुल्क आजाद हो गया है ठाकुर, इनको समझाओ कि इस गाँव के इंसान जानवर पेड़ पौधे और ये सारे शंड तेरे गुलाम है ठाकुर। शंड है हम लोग बुधवा शंड है। अरे फेंका हुआ धान भीमा उठा के लेके गया अपनी बच्ची के लिए, और उसकी इतनी बड़ी सजा। ये माई बाप है हमारे,
भगवान है। अरे मंदिर में बैठे हुए भगवान कुछ नहीं करते तो हमें बोलने का क्या अधिकार है? अगर हम सब एक साथ सोचे बुधवार तो हम कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं। देखो देखो उस पागल माली शिवा को मारो ठाकुर, मारो मारो। कली की तो बात लगती है, उसका बेटा आया था शहर से, कृष्णा। बहुत खुश था शिवा माली, अपना पेट काट काट कर उसने अपने बेटे कृष्णा को पढ़ाया। काम करके आया मेरा कृष्णा। ये कौन सा काम है शिवा भैया? अरे तुम अनपढ़ लोग, तुम नहीं समझोगे। बी काम का मतलब है 15वीं कक्षा तक पढ़ के आया है। मगर तुम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हो? पेट काटो, पैसे बचाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अरे तुमने तो अपना भविष्य चुन लिया है, ठाकुरों की गुलामी करना। लेकिन अब तुम्हारे बच्चों को तो इस गुलामी से छुटकारा दिला। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। साला शहर से पढ़ के कहा आया है, पूरे गांव का भविष्य बदलने निकला है। खैर, उका भलाई चाहते हो तो समझाओ उका। जी मालिक। इके बाद कोनो शिकायत मिली तो इस जुतवा के नीचे दबाए के मसल दूंगा ससुरे को। बेचारा शिवा, इसके पहले कि वो कृष्णा को कुछ समझाता उसकी जिंदगी में और एक मुसीबत आ गई। ठाकुर की बेटी का दिल कृष्णा पे आ गया। दोनों जवान थे, पड़ गए प्यार में। नदिया किनारे आओ जाना, आना वही धुन तो सुनानी है तुम्हें। छोड़ना, मुझको पता है, जानती हूँ। क्या क्या कहानी बनानी है तुम्हें। नदी पे उनका छिप छिप कर मिलना किसी की नजरों से बचने वाला नहीं था। ठाकुर को खबर लग गई। दोबारा वहां कदम रखा तो टंगड़ियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे जिंदगी भर हमने कभी ठाकुर के सामने आंख उठा कर नहीं देखा, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकुर की बेटी के साथ गाना गाए। बेशरम, आप लोग डरिए ठाकुरों से, मैं नहीं डरने वाला। बेटा, शिवा पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठाकुर की बेटी अपना घर छोड़कर शिवा के चौखट पर आ गई। ये क्या हुआ? और उसी के पीछे पीछे ठाकुर और उसके आगमन। ये बाबूजी, मौका दे दीजिए, मैं इसे हमेशा के लिए शहर भेज दूंगा। सारे कह दीजिए मालिक, मालिक आएगा तब ना। उस रोज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ठाकुर की आंखों में कृष्णा का अंत दिख रहा था। दूसरे ही दिन अपने गुस्से पे काबू रखना तुम और शहर में बंद लगा दिया। ठाकुर साहब क्रियाकर्म में भी नहीं गए अपनी बिटिया के। ऐसे आदमी से हम दया की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? चलो काम करो अपनी। काम करने का मन नहीं कर रहा है बुधवार। क्यों? सुबह से पारो की तबीयत जरा खराब है। हाँ। सोच रहा हूँ कि मालिक से पूछकर जरा जल्दी चला जाऊं। जाओ पूछ लो। ई है हमरे शेर, हमरे अनमोल रतन। मालिक का बात मालिक है? नहीं मालिक, बैलों के नजदीक मत जाइए मालिक। का कौनो चोरी है? का नहीं मालिक, बैल नए ना, पहचानते नहीं। हाँ ठीक है ठीक है मालिक। का वो
वो मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, अगर आप कहें तो मैं घर जल्दी चला जाऊं मालिक। यहाँ सबका बीवी का तबीयत खराब हो जाएगा तो काम कौन करी है? तो हर बाप बीमार है ना, मर तो ना जाइए। नहीं मालिक। जा जाओ के काम करो। जी मालिक। घरवाली की तबीयत खराब है, कभी बच्चा बीमार है। ए पकड़। सिर झुका दिया। अब बात क्या रहो? मुनिया। तमना। मुनिया। पूरे गांव के बाबा है। ए मुनिया। अब तो मुझे मुनिया मत कहो, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे दुर्गा कहो। तू कितनी भी बड़ी हो जाए, मेरे लिए तो मुनिया ही रहेगी ना। मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ने दो, कल हमारी परीक्षा है। बनिए से कुछ सामान लाना था। अच्छा तू पढ़, मैं जाती हूँ। रुको, मैं जाती हूँ। कमर का दर्द और बढ़ाना है क्या? लो पैसे दो, बताओ क्या लाना है। अच्छा ये ले, एक पाव चीनी, आधा किलो प्याज, एक पाव नमक और एक पाव सूजी। ठीक है। अरे लिख तो ले। नहीं मुझे याद है। अच्छा बोल क्या। एक पाव खुशी, आधा किलो आंसू, एक पाव दुख और एक पाव हंसी। क्या पागल जैसी बातें कर रही है। माँ तो समझती नहीं है। देख, एक पाव खुशी मतलब एक पाव चीनी, और आधा किलो आंसू मतलब आधा किलो प्याज, एक पाव दुख मतलब एक पाव नमक। समझ गई। एक पाव हंसी मतलब एक पाव सूजी हलवा बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक। चाप तो लेकर आ, जल्दी आना। हाँ माँ, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ भैया जल्दी जल्दी चलो, बहुत दूर जाना है। पता है ना मैं डरता हूँ, काहे मजाक करते हो बार बार, मर जाऊंगा एक दिन मैं। हाँ बुनिया तुम भी इनके साथ मिलके मजाक करने लगी। कैसे हो बुरे चाचा? ठीक हूँ। रुद्रा कैसा है? ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? बनिए के पास। संभाल के। नहीं छोड़ूंगा उस बुनिया को। बच्चों भी आओ उसने। नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं छोड़ूंगा। एक पाव खुशी, आधा किलो आंसू, आधा किलो दुख और एक पाव हंसी, ये लो बेटा। और थैली कौन देगा रहीम चाचा? थैली नहीं लाई बेटा। तुम भी ना कुछ समस्या नहीं हो रहीम चाचा, जल्दी जल्दी मैं आ गई ना, मैं भूल गई। ओ ये लो बेटा। अगली बार आऊंगी ना तो ये अच्छे लेकर आऊंगी। हाँ। अरे सुन सुन मुनिया, यहाँ आ तो। अब क्या हुआ? चने नहीं चाहिए बेटा? तो दो ना। दे रहा हूँ बेटा, जल्दी दो ना रहीम चाचा, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। ये लो बेटा। शुक्रिया। हाँ बेटा। वो क्या कहते हैं वो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बस चलो चलो, आज जाके देखता हूँ क्या करे। देखो तू खाली, ए छोड़। अरे ए चल शुरू हो जा। क्या बात है भैया, फटफटिया शुरू नहीं हो रही है? क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लो चले खाओ। भैया आपके पास क्यों पकता है? छोड़ो ना भैया, छोड़ो ना, दुख रहा है, छोड़ो ना, मैं बाबूजी को बोलूंगी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, दीदी को बनिए की दुकान पर भेजा था, 3 घंटे हो गए, चाचा जल्दी से देख कर आ, तो कहाँ रुक गई? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ मैं जाऊंगा। हाँ बेटा जा। और सुन जरा गौरी के यहाँ भी देखते आना कि कहीं वहाँ तो नहीं रुक गई। अरे चल ना, क्या देख रहा है पीछे बार बार, चल रे, चल बाइक उठा उठा। ए सवे गिरा दिया सड़क, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? चल उठा चल चल। अरे क्या कर रहा है, गधे ठीक तरह से उठा उड़ा उड़ा। बस 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 चल चल। ए मुन्ना कहाँ जा रहे? बाबूजी बाबूजी दीदी बनिया के पास गए थे, अभी तक घर नहीं आई, तो माने मुझे भेजा ढूंढने के लिए। सलाम रहीम चाचा। सलाम।
अरे रुद्रा क्या हुआ? मुनिया आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, वो तो कब की चली गई? तकरीबन 3 घंटे हो गए उसे। 3 घंटे? हाँ क्यों, क्या हुआ? प्रेम चाचा वो अभी तक घर नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ चली गई। शायद वो राम प्यारे के गई होगी, क्योंकि उसकी बेटी उसकी सहेली है। हाँ मैं वहां देख के आता हूँ। जानवर आ गया था ना मोटरसाइकिल के सामने। क्या हालत बना रखी है, जाओ कपड़ा उतार कर कुएं पे आओ, तेल लगा देती हूँ। आ गई दुर्गा? नहीं तुम्हें नहीं मिली? अरे वो बनिया की दुकान से कब की निकल गई? अरे 4 घंटे हो गए उसे गए हुए, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें देख लो हवेली गई हो? चाहो जरा देखा वहां पे। चल बेटा। क्या हुआ पारो, ये वापस क्यों गया? दुर्गा को बनिया के पास भेजा था। हाँ? अभी तक आई नहीं, उसी को ढूंढने गया है। कहाँ रे रुद्रा? अरे तू आ गया, तने खिया तेल लगा दे बिटवन को। जी मालकिन। का निकला खून? नहीं जाते मालकिन। कौन जानवर का खून लगा के लाए रे? अरे सुनती हो ठकुराइन, कौन है रुद्रा? जी मालिक। अरे तुम्हारा तो जोरू का तबीयत खराब था, तुम कह रहे थे जल्दी घर जाना है, वापस कहाँ आ गए? मालिक वो, अरे बोलना जवान कट गई का? मालिक मालिक मेरी मुनिया है ना, वो बनिया के पास गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, सोचा मुझे ढूंढने यहाँ आई होगी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। कैसा आदमी रे तू, मुंह खोल के बोल नहीं सकता था? मैंने कहा तेल लगा तो तेल लगाने बैठ गया, जा पहले जा मुनिया को ढूंढ। सब जगह ढूंढा मालकिन लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं मिली नहीं, जा जा थाने में रिपोर्ट लिखा पहले। जी मालकिन। और सुन कोनो जरूरत हो हमका बोल दियो। ठीक है मालकिन। दरोगा जी का है? नहीं वो मैं वो क्या? नहीं वो रपट लिखवानी थी। रपट काहे का रपट? दौड़ भगे झगड़ा किया क्या रे? हाँ नहीं वो मेरी बच्ची है ना, बाजार गई थी अभी तक नहीं लौटी। वो काहे को पैदा करते हो, काहे को पैदा करते हो जब संभाल नहीं सकते? काहे को पैदा करते हो? चुप चुप चौबे। जी साहब FIR पे अंगूठा लो, रपोर्ट हम बाद में लिखेंगे। इधर लगा बता दे साले। आज ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अरे आज तूने ठर्रा नहीं लगाया ना, एक ठर्रा मार तेरी ठंड उड़ जाएगी। हाँ भाई आज बहुत थक गए हैं, अभी घर जाना है, खाना बनाना है, बहुत थकान हो रही है। चलो चलो भाई जल्दी चलो। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? कोई आवाज आ रही है। पूरे चाचा तुम पागल हो गए हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ आवाज तो आ रही है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। चलो 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 ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। अरे कौन है, कोई है? अरे कोई है, कोई है इधर? अरे कोई है? अरे भाई कोई है? अरे कोई है? अरे वो कालिया। ए रघु आओ आओ। अरे कहाँ भाग? पारो, पूरा गांव छान मारा, एक एक घर ढूंढ लिया, कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे, तो यहाँ बैठे रहेंगे। मुझे मेरी मुनिया चाहिए, मुझे मेरी मुनिया चाहिए।
है भाई। एनिमल्स। एक काम करो, दरोगा को लेके आओ। दरोगा को क्यों डॉक्टर साहब? जो कहा जाए वो करो, चलो जल्दी करो। जाओ जाओ। क्या प्रॉब्लम है सर? दिखता नहीं रेप केस है। चलो ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। घुंघरू बंधा दे तो आहिस्ते भैया, जरा आहिस्ते दबा, जरा आहिस्ते। चकना, वाह वाह, अंडा चिकन, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है अंबर। सब खाना सब खा तो लूंगा, पियोगे नहीं सब? नहीं भैया, खाओगे नहीं पियोगे नहीं, सामने क्यों खड़े हो, खाने तो दोगे? सखिया ने कुछ पैसे के बारे में बताया सब? सहला, इसलिए मेहरबान है, वरना हम भी सोचे कि इतना मेहरबानी हम पर। अरे बता दिया सब, बता दिया सब, बता दिया उसने। घर के पीछे कुए में छुपा रखा था 50,000, हम जाकर ले आए, लिखा दिया रिपोर्ट में, कुछ नहीं मिला, अब जाएगा 1 साल के लिए अंदर। तो अपना कुछ तो क्या? अरे हाँ, मिलेगा मिलेगा, हमारा पॉलिसी ये है, खाओ दबा के खाओ, मगर भाई जनता को भी खिलाओ। पूरे 5,000 रुपए है, 10% 50,000 रुपए के बांट लो, मजे लो, खेलो। दरोगा बाबू। कौन है, कौन है भाई? मैं हूँ दरोगा बाबू। तू नहीं मिली, तेरी बेटी नहीं मिली, कल आना, जा कल। उन्हें तो मिल गई दरोगा बाबू। अरे अरे, तो अच्छी बात है, तू यहाँ क्यों आया? हा? क्या है दरोगा बाबू, तेरी मुनिया बहुत जख्मी है अस्पताल में, तो बड़े डॉक्टर साहब ने बोला है कि दरोगा बाबू को अभी लेके आओ। कभी अभी? अरे चौबे। हाँ साहब। बड़ा लफड़े वाले केस है लगता है, जाना तो पड़ेगा साला, बीबी का ड्यूटी है, आराम से बैठकर पीने भी नहीं देती। चल जूते ले चौबे, चल छेड़ ले मनोज। हाँ साहब। नशे की मैया कर दी, आवा आप ही के लिए जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है सर? डिम चांसेस, शी इज ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू अ कोमा। वो स्कल फ्रैक्चर मुझे परेशान कर रहा है, शी इज हैलुसिनेटिंग, स्ट्रीचेस टूट रहे हैं, आई थिंक रेप इज प्लेइंग ऑन हर माइंड। हर 6 घंटे के बाद उसे कंपोज देते रहना, 5 mg। यस सर। क्या बात है डॉक्टर साहब, काय के लिए बुलाया है? राम नारायण भरद्वाज। मेरा बस चले तो ये वर्दी उतार कर कटर में फेंक दूं। ये बुढ़ाओ, इसके बाद कुछ बोला ना, एक ऐसा झापड़ मारूंगा कि तो घर जमीन की जड़ ठसा दूंगा साले। उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा। है? हाँ, मेरे मौसे के साले का भाई होम मिनिस्टर है स्टेट का। सर वर्दी पहन कर बुफ का पगार खाते, जाके देख उस बच्चे की क्या हालत है। शी इज रेप्ड सो ब्रूटली, मल्टीपल फ्रैक्चर इन द राइट एल्बो, लेफ्ट मैंडिबल बैडली फ्रैक्चर्ड, डैमेज्ड ईयरडम, हैम एंड टॉर्न एंड हेयरलाइन फ्रैक्चर ऑफ द क्रेनियम, 70 stitches है बदन में, समझे तुम? I want the rapist behind bars. मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाओ कुछ करो। चल चौबे कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मुनिया ठीक हो जाएगी ना? हमने तो कोशिश की है, हिम्मत रखो। पर ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब? तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। सब्जी लीजिए। ट्राई तो मांग लूंगा मैं। अरे थोड़ा घी डालो चावल पे। नहीं नहीं, वो चर्बी बढ़ती है। अरे कहाँ चर्बी बढ़ती है, रात भर इतना मेहनत किए हो, थोड़ा चर्बी बढ़ना चाहिए। आप भी ना बाबूजी। उका रहने दो, ये खाओ गर्मा गर्म। आचार नहीं रखा, दिमाग कहाँ है तेरा, जा ले। जी मालकिन। अरे बस बस। अरे बच्चू, तेरे हाथ की वो सोने की चेन कहाँ गई? गिराई दी या बेचा है?
वो माँ शायद कमरे में होगी शायद। माँ वो डाल दो ना। पेट में थोड़ी जगह रखना। हाँ। खीर बनाई है। वाह बादाम डाले हो। इका पेट भर गया बाबूजी। कहाँ पेट भर गया इतना सा खाया हो सचमुच बाबूजी। और फिर वो सूरज सिंह की माँ भी तो बीमार है ना अस्पताल में। आज रात हम वही जा रहे बाबूजी। अच्छा ठीक है जाओ उधर खा लेना कुछ। ठीक है जी बाबूजी। अरे ये दोनों कहाँ गए क्या बच्चों में अरे लाइक किया ना बोला यही वो जगह है ना जी भैया। बोला तू यहाँ ढूंढ मैं वहां ढूंढता जा। भैया क्या हुआ मिला नहीं भैया भैया वो लड़की भी यहाँ नहीं दिख रही। अबे साले कोई जानवर खा गया होगा उसे जो ढूंढे आया वो ढूंढ। हाँ, अच्छा भैया क्या चाहिए ये कि ये है क्या हुआ बीमा बुधवा दुर्गा पर जिन लोगों ने बलात्कार किया था ना पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। क्या कौन है वो रुद्रा क्या हुआ वो दुर्गा पे बलात्कार करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या कौन है वो अरे बोलना वो ठाकुर के बेटे बच्चू सिंह और भोला सिंह। सोचने दे हमका मर नहीं गए बच्चे हमरे। बिजू जा वो सर्वो वकील को लेके जल्दी। जी मालिक जा। उधर रुद्रा को अभी का भी लेके आ। जी जल्दी क्या हुआ अब क्या होगा कुछ नहीं होगा मेरी मैया तू जा अंदर अंदर जा। चलो रुद्रा ठाकुर ने बुलाया। मेरी बेटी अब तक बेहोश है मालिक से कहना जैसे होश में आ जाएगी वैसे मैं आ जाऊंगा। मैं ये सब सुनने नहीं आया हूं तो खुद चलकर मालिक के सामने कहना चल। अरे रे, अरे रे। बच्चे मालिक 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 पाँव पड़ता मालिक मालिक बच्चे मालिक। अरे तू क्यों गिड़गिड़ाते उसके सामने हाँ क्या करेगा तू मारेगा मेरे बच्चे को एक छोटे से बच्चे में अपनी ताकत चुप बैठो। चुप क्या करेगा हाथ से लगा देख मेरे बच्चे को मारो काट डालूंगी तुझे काट डालूंगी ले जाओ इसे चार तेरा चल मारो मालिक चल 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 आगे क्या दिखाता चुप मालिक मालिक रहने दो मालिक रहने दो ना उसे अपने बच्चे के पास हम भेज देंगे कुछ कुछ देर बाद आपके पास रहम करो मालिक। मैं आता हूँ चल राम प्यारे अब ये ठीक चल चलिए उसे आराम करने जाइए आप चलिए। मालिक
हाथ होगा अपनी मोटी खोपड़िया इस्तेमाल करने का, तो का कहा था रुद्र को लेके यहाँ, सो लेके आने का, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हाथ पांव तोड़ के लेके आओ जा। देखिए ठाकुर साहब, कुछ पैसे देकर रुद्रा का मुंह बंद करवाते हैं, अगर उसने अपनी फरियाद वापस ले ली तो बच्चू और भोला आसानी से छूट जाएंगे। अच्छा, तो ठाकुर अवध नारायण सिंह पर ही नौबत आ गई कि अपने बेटों को छुड़ाने के लिए वो 2 टके के मजदूर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ठाकुर साहब, मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ रुद्रा से बात करने। देख रुद्रा, तुझे इस गाँव में रहना है और ठाकुर की छत्रछाया में जीना है, और फिर बात आगे बढ़ा के क्या फायदा है, आज नहीं तो कल ठाकुर पैसों के जोर पे अपने बेटों को छुड़ा ही लेगा, फिर नुकसान किसका, सिर्फ तेरा। तो एक काम कर, ये 5,000 रुपए तेरे पास रख और पुलिस स्टेशन में जाके तेरे रपट वापस ले ले। अच्छा 6 ले ले बस, सिर्फ 6,000। तुम बताओ तुम कितना चाहती हो? मेरी बेटी की जगह अगर तेरी बेटी का बलात्कार हुआ होता तो तू कितने पैसे लेता ठाकुर से? जबान संभाल कर बात कर औरत, चले जा यहाँ से। कहा ना, चले जा यहाँ से ठाकुर के पिल्ले। लूंगा तुम्हें, जिंदगी भर भूखे मरोगे, पाई पाई के लिए तरसोगे, याद रखो। एक रुद्रा ले देख ले, तू तेरी नानी मारू सर फोड़ दूंगा। गंगा मैया। और कितने चाहिए? 70 तो हो गए। अरे आधा तो बांटने शाटने में चले जाएगा, बचे 40-20, उसमें हमारा क्या होगा? अरे भाई सरकार तनख्वाह भी तो टाइम पर नहीं भेजती, और महंगाई बढ़ रही है आप तो जानते हैं। ये लो। ए वकील, उठा ले रे पैसा। अबे लुटेस मची है का? इससे ज्यादा पैसा तो मैं अपने बाप को बचाने के लिए भी नहीं देता। उठा 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 ले। अरे नहीं नहीं, ठीक है लक्ष्मी आती को ठुकरा देगा। ठीक है ठीक है, काम हो जाएगा। कब छूटेंगे बच्चे मेरे? सोमवार को चार्जशीट दाखिल करेंगे। सोमवार तो कल है। अरे अगले सोमवार, छानबीन करते दिखाना तो पड़ेगा, इतना खा क्यों कर रहे हो? अगले सोमवार तक ये तो। एक मिनट ठाकुर साहब, ठीक है। और? अरे और क्या, आराम ही आराम, हम अपने चार्जशीट में लिख देंगे, क्योंकि ठोस सबूत मिला ही नहीं। मगर उस डॉक्टर का क्या करेंगे? शर्म आनी चाहिए वकील साहब तुम्हें, ऐसे गिरे हुए नीच लोगों के लिए तुम मुझे खरीदने आए हो। 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया उन हैवानों ने, और तुम मुझे ₹1,00,000 की रिश्वत देने आए। देखो उन्हें, 2 दिनों से हिले नहीं हॉस्पिटल से, भूखे प्यासे ऐसे ही खड़े हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। माया माया, प्लीज गो अवे। यस डॉक्टर। माया, तुम्हें इनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, क्या हुआ? अभी किसी को भेजती हूँ। तुम खुद जाओ। अभी किसी को भेजती हूँ, ना गो। यस डॉक्टर। वकील साहब आप जाओ, शर्मोहया का पानी घोल कर तो पी गए तुम लोग। देखो डॉक्टर, 1,00,000 नहीं 1.5 लाख ले लो। शट अप। 1.5 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस 9 साल की बच्ची की इज्जत की? जानते हो क्या गुजर रही है उस पर? जिंदा रहे तो नसीब अच्छा उसका। दौरा पड़ गया। मिश्रा। यस सर। मिश्रा जाओ, सिद्धार्थ साहब जी का काम पहुंचो जल्दी, बिग बिग। यस सर। माय गॉड, सुन रहे हो ना उसकी चीखें? सुन रहे हो ना, उस हादसे की दहशत अब तक उसे परेशान कर रही है। 3 बार स्टिचेस टूट चुके हैं, 3 बार। अब तुम मुझे 1.5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? बेशर्म, 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 5 लाख? 1 पैसा कम नहीं। 9 साल की मासूम बच्ची है वो, भूला नहीं। ठीक है। कैसी है मेरी मुनिया डॉक्टर साहब? ठीक है वो, तुम जाके उसके पास बैठो। रुद्रा, अकल का अंधा, 5,000 रुपए दे रहा था तो नहीं लिया, तो आज हमने डॉक्टर को खरीद लिया 5 लाख रुपए में, और दरोगा को
1,00,000 रुपए में। सोमवार के दिन जब अदालत में हाजिर होंगे ना भोला और बच्चू, एक पल में छूट जाएंगे दोनों, एक पल में। क्योंकि डॉक्टर अदालत में बयान देने वाला है कि बलात्कार वाले दिन बच्चू और भोला अस्पताल में भर्ती थे किसी बीमारी की वजह से। एक दिन मैंने तुझे कहा था भूखे मरोगे भूखे। और हाँ एक बात और, वो जो अंदर तेरी टूटी फूटी बच्ची पड़ी है ना, अगर वो बच गई तो ठीक है, मर गई तो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है रुद्रा। 4x3 की जगह नहीं मिलेगी तुझे उस पर। निकी का जमाने नहीं रहा। आ नहीं रहा। अरे जाओ। मरेंगे मरेंगे सबके बच्चे मरेंगे, मेरा बच्चा मरा था सबके बच्चे मरेंगे। जियो ठाकुर जियो, तुम जियो तुम्हारे बच्चे जिए, सारे गांव के बच्चों को मार डालो ठाकुर मार डालो। नपुंसक है हम लोग। ये क्या पारो? कुछ भी करो तुम, पर सोमवार को ठाकुर के बच्चे अदालत से छूटने नहीं चाहिए। अपनी मुनिया की चीखें याद है ना, छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या ठाकुर हमें जिंदा छोड़ेगा? साथ में जान दे देंगे। माँ। पर मैंने आज तक अदालत देखी ही नहीं है। बाबूजी हमारे पाठशाला के पास है, हम दिखाएंगे। टाइम निकल चुका है। दया करो साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई तो तरीका होगा साहब। कुछ नहीं हो सकता। अरे एक ही बात कहता हूँ, तुमको समझाया जाएगा बाबूजी, यही अदालत है। 2 रुपए का स्टाम्प और 2 रुपए का स्टाम्प दे दो साहब, ये लो। अच्छा पिछला बाकी होगा। क्यों नहीं टूटा ही, आप अपने घर पे जाके अपनी जो उससे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जैसा ये कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लिया आपने यहाँ? ऑर्डर ऑर्डर, जितना तुमको पूछा जाए उसका ही जवाब दे दो। अच्छा वकील साहब एक काम करते हैं। बाबूजी वो वकील है, वो चोर है। मगर इस वक्त मेरे दिमाग का अंडा मत बनाओ मेरे बाप, जैसा खाना वैसा खाओ। ऑर्डर ऑर्डर। वो कौन है? वो जज है। वीरन का इंजेक्शन दे देना। यस सर। शाम को मुझे। नमस्ते। नमस्ते, आपका कुछ काम था? क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आंख नहीं मिला पा रहे तुम? कल तक तो तुम भगवान थे हमारे लिए, इतना कुछ किया तुमने हमारी मुनिया के लिए, हम तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते। मगर आज कुछ पैसे के लिए खुद को बेच डाला, अपनी डॉक्टरी जात को बेच डाला, हम सबको बेच डाला। शी, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम।
और एक बात सुन लो, अपनी बीवी बच्चों को ये मत बताना कि ये पैसे तुम्हें कहां से मिले, वरना थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। अब जाओ, या नहीं खबरदार जो मेरी मुनिया को हाथ लगाया तो निकल जाओ यहां से। बेशरम, देखा है अदालत? हाँ, कल सुबह की पहली बस पकड़कर मुझे शहर जाना होगा। मुनिया कैसी है? जैसी थी। रामनारायण। अबे ओ रामनारायण, कहाँ बुलाए रहे हमको? रामनारायण बुलाए, चल सिगरेट ला। क्यों, तेरे बाप की शादी है क्या? ये बाप का नाम नहीं लेना, समझा? चल चिरकाट, हमको भी राम नारायण न बुलाने का, समझा? साहब बुलाने का साहब, वरना एक कैसा मुक्का मारेगा ना, पेशाब बंद कर डालेगा तुम्हारा। चल साहब, दो दिन लगेंगे शहर से आने में। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। डॉक्टर मामा, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, दो दिन वो मेरी दुर्गा। बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या हो रही बुधवा? दो तीन दिन के लिए बाहर जा रही सुना, इसलिए खाना लेके आया। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में, मैं खाना कैसे खा सकता हूं? तो करनी होती, लखनऊ से घर आया तब पता चला। कैसे हुआ ये? क्या बताएं, हो गई भूल उनसे, किससे नहीं होती है अयोध्या। पर असल मुसीबत की जड़ है वो रामपुर की पतुरिया। नैना गए थे उका ठुमका देखने, 50,000 ले भी गए थे उका देने के लिए, मगर उस हसरी जबान देके किसी और के साथ चल पड़ी, उकसा दिया इनका। गरम खून, ऊपर से चढ़ाए थे बोतल। अब नशे में कहा पता चलता है कि 9 साल की है या ससुरी 90 साल की है। लेकिन अपने बच्चे वहां थाने में कहा करें, ई दिन भी देखना था। ठाकुर साहब, कह रहे क्या बात है, कौन है ससुरा? यही तो है ससुरा, इसी ने तो छोटे मालिक की खबर अखबार में छपवाई थी। बच्चे है, ए, हट, छोड़ू का, जब देखो अपनी ताकत अजमाता रहता है, मूर्ख। जानता नहीं अखबार वाला है वो, कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो फंस जाएंगे बच्चे मेरे। जा जा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, सोमवार तक तो का कुछ नहीं होगा। जाओ बेफिक्र होके जाओ, जाओ। और सुन, सोमवार के बाद पाताल में भी छुप गए तो वहां से भी निकाल कर टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा तोरे। अबे जा, और सोमवार के बाद ऊ जिंदा रहा तो तू मरेगा, याद रख। लेकिन सोमवार तक उसे क्यों जिंदा रहने दिया अवध?
अरे सोमवार को छूटेंगे ना बेटे मेरे। लेकिन इतने दिन थाने में रह पाएंगे? कौनो चिंता नहीं, हम सब इंतजाम किए हैं। क्या बात है छमिया? हमको तो इश्क आपका ऐसी सता रहा है, हमको तो इश्क आपका ऐसी सता रहा है। रुक रुक के तीर, रुक रुक के तीर जैसे सीने में जा रहा है, हमको तो इश्क आपका। ऐसे कैसे? बाऊजी ने रुपया नहीं दिया का तो है? नचवाने के लिए सुनना चली छमिया, तेरे अय्याशी के लिए कोठा नहीं है, पुलिस थाना है। चौबे जी साहब, ले जा इनको अपने बेडरूम में। चलो चल चल चल, देखता क्या देखता क्या, चल। सांड अपना राइफल पकड़ और तू भी जा भाई, जा जा चल। क्या नाम है आपका? नैना। अरे बेंजी, आप पांडे? हाँ साहब। जरा बेंजी को कोठे ते ले जाना। आप बेबुर बाकी नहीं, वो उधर। अच्छा चलिए। चले। ये है बच्चू सिंह, ये है भोला सिंह। अभी अभी तुम इस पे और तुम इस पे मूतना, तुम इस पे मूतना। चल निकल, चल मूत। राम राम रुद्रा भैया। बाबूजी बाबूजी, माँ कहाँ है? अंदर है। पारो, ए पारो। हाँ? तुम आ गए? हाँ। वो
वो ले आए? हाँ। ये लो। ये क्या है? काम होने के बाद यही डालना पड़ेगा ना खाने में। माँ ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बताओ ना। बोलो ना ये क्या है? डर रही हो परो? नहीं। वैसे भी सोमवार के बाद ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम अदालत कब जा रहे हो? आज, अभी। कल और परसों अदालत बंद है ना? सोमवार को ठीक 12 बजे सामान वाले कमरे में बच्चों को लेके आ जाना। और हाँ, किसी से दाल भात भी ले आना। आखिरी बार मिलके खाना खाएंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुझे जाना होगा। अदालत बंद होने में बहुत कम समय बाकी है। एक और टंगड़ी खा ले। बस बहुत हो गया बाबूजी। अबे खा ले, चार दिन में सिकुड़ गए हो दोनों। सोमवार को यहाँ से छूटने के बाद 2 हफ्ते तक घर का खाना खाओ रोज। सेहत ठीक करो, चलो खाओ। आए खाओ बाबूजी। वो बच्ची कैसी है? अरे उम्र भी गई तो कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दोनों के छूटने के बाद रुद्रा को जम के ठीक करना है। रुद्रा से तुम दूर रहो ठाकुर। तुमने अपने बच्चों को बचाने के लिए पैसे दिए थे तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। अब रुद्रा के लिए तो और मुद्रा चाहिए। तो छोड़ दिए रुद्रा का, वैसे भी मरा हुआ।
मेरा नाम रुद्रा है माई बाप। बहुत गरीब आदमी हूं मैं। 9 साल की मेरी मुनिया दुर्गा नाम है उसका। इन दो जानवरों ने बलात्कार किया उस पर। अस्पताल में बेहोश पड़ी है मेरी मुनिया। हाथ पैर तोड़ डाले इन दोनों ने। डर के मारे बेहोशी की हालत में भी तड़पती है वो। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? अगर वो ठीक भी हो जाए ना मैं बाप, तो क्या वो ये सदमा भूल पाएगी? और जिसने उसकी यह हालत की है, वो सामने बैठ के हंस रहे मुझ पर। हंस रहे देखिए ना, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर और दरोगा को खरीद लिया है मैं बाप। क्या यही इंसाफ है मैं बाप? क्या यही इंसाफ है मैं बाप? इन दो जानवरों ने बहुत ही घिनौना अपराध किया है। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। काफी भीड़ होती है ना, कुछ ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं छुप सकूं। कोरट के बाहर नहीं, वहां तो ठाकुर के आदमी रहेंगे। और कुछ सीढ़ियां, सीढ़ियां ठीक रहेंगी। उन्हें ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना सीढ़ियों से। रामशरण, ओ रामशरण, अरे तो नहीं आओ तो? कहाँ है चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो नहीं आवाज कैसी है, हैं? अरे अभी तो आ रही थी। फिर भी क्या है ना? चल, अरे नहीं, चल। ये कार में नींद खराब कर दी। जल्दी हाथ चला, ससुरा ताजमहल बना रहा का? देख उतार बाहर निकला है, उगा ठीक कर। ये सजावट काहे करवा रहे हैं? अरे हमरे बेटे घर वापस आ रहे हैं। कौनो युद्ध जीत कर आ रहे हैं? तो तुम क्या कहना चाहती हो ठकुराइन? वो पीछे से चोरों की तरह आए हैं? अरे शान से आएंगे पूरा गांव के सामने एकदम। जी जा, कोरट का टाइम हो गया, जा हमरे बेटों को लेकर आ जल्दी से। वकील साहब, नमस्ते नमस्ते।
घुमाएगा घुमा ले। ये प्रेमदत्त के बच्चे का फाइल लेके आना कपाट से। कुछ ज्यादा ही चौड़ा गड्ढा करके गया है। ऐसन मारा मेरे बच्चों को। डूम डूम ऐसन मारा। अरे बोलते काहे नहीं, ऐसन मारा का मेरे बच्चों को, ऐसन मारा। रुद्रा आ गया। पहले रुद्रा का क्रियाकर्म हुई, उसके बाद मेरे बच्चों का क्रियाकर्म हुई। उसके बीवी बच्चों को उठा के ला अस्पताल से, उठा के ला उसके बीवी बच्चों को। बच्चू पारो 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 क्या हुआ बताओ, क्या हुआ राजा? रुद्रा ने अदालत में, क्या हुआ अदालत में, बच्चू सिंह और भोला सिंह दोनों को मार डाला पारो, मार डाला। तू बच्चों को लेके यहाँ से भाग जा, भाग जा पारो। तुम बाहर नजर रखो, मैं उन्हें अकेले आती हूँ। लड्डू बांटो लड्डू। चल चल ना, मर गए रे ठाकुर के बच्चे। आज तो दशहरा है मेरा, एक के बदले दो, एक के बदले दो। ठाकुर अब तू भी सहना बच्चे का मरने का दुख। लड्डू बांटो, गुड बांटो। सब हमें जाने दो। पारो जाओ 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 पारो 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 जाओ। वो ठाकुर क्या भी आ रहे, तुम भाग जाओ पारो, जाओ जाओ जल्दी भागो जल्दी। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई वो कुतिया और उसके पिल्ले? चले गए। तूने उसे जाने कैसे दिया? उनके बच्चे थे, मैं कैसे रोक सकता हूं? चल। हाँ जी बेटा, दरवाजा बंद कर दो। पारो
पहले दरवाजा बंद कर दो। पारू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बस रुद्रा, बस। बात लाइक। दे तू मुन्ना। जहर की शीशी। उसी में। बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। चुप करो। मुझे दो। दे रही हूँ मैं सबको दूंगी। पहले मुझे दो। पहले मुझे। अच्छा 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 ठीक है। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मैं सबसे पहले दूंगी। मुझे करती है। अबे चुप। अच्छा आंखें बंद करो। सब आंखें बंद करो। हाथ आगे करो। ठीक है जिसे मैं प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा उसे मैं सबसे पहले दूंगी। आंखें नहीं खोलना अभी। अभी आंखें नहीं। अब खोलो। मुझे करती है। इसका क्या मतलब है? बाबूजी अब कुछ समस्या नहीं हो। इसका मतलब है माँ सबको एक जैसा प्यार करती है ना माँ? मुनिया सबसे समझदार है। मालूम था तुम लोग यहीं होंगे। चलो चलो कहाँ प्रोग्राम बना रहे हो बैठे बैठे? चलो भाई चलो थाने। चलो थाने। आप इसे कहाँ ले जाएंगे? इस खाने में जहर है। इसे खा के तुम वैसे भी मरने वाले हैं। इसे ले जाएंगे तो कानून इसे मार देगा। और ठाकुर के आदमी मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ कम से कम मौत में तो साथ रहेंगे। देखो तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम सबकी जान बच सकती है। भैया हमको दूध से धुला हुआ इंसान तो नहीं। अच्छा बुरा सही गलत सबकी पहचान है हमको। और एक आपस की बात, जो तूने किया वो सही किया। हाँ और वैसे भी तो रपट हम ही लिखने वाले हैं, तुम्हारे रपट। चलो अभी। अरे भैया इनकी फिक्र मत करो, इनका सब बंदोबस्त कर दिया है हमने। चलो चलो चलो। अरे आवा जाना जरूरी है। सब जा चल जल्दी मिलकर आ। चलिए मुनिया 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 बाबूजी मुनिया बाबूजी मुझे कुछ मुझे छोड़कर मत जा। मुझे मुझे डर लगता है। कुछ नहीं कुछ नहीं मैं आ गया हूँ ना। मैं हूँ ना। मैं आ गया हूँ ना।
रुद्रा चल रुद्रा, ठाकुर और उसके आदमी आने से पहले थाने जाना जरूरी है। चौबे जी साहब, तुम इन सबको लेकर बस से जाओ, वहां तैनात रहना। अगर ठाकुर और उसके आदमी आए तो सीधे गोली उनके खोपड़ी में ठस देना, समझे? बाद में देखेंगे। क्या जी साहब? चलो रुद्रा चल, चलो रुद्रा चल। बच्चे भी नहीं खाते। ए, आजा। लो खा, खा। तुम भी खा लो। मैं खाई के रास्ते जंगल चली आई। जल्दी करो, जल्दी भागो, आओ जल्दी आओ, संभाल के आना। पर संभालना किधर है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ए, ए, उधर देख, किधर क्या है? ए, हट, ए, ए। ए, पारो और बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए पारो और बच्चे? खाई में सरकार। हट। क्या हुआ शुभा? हुआ शुभा? शुभा हुआ? क्या हुआ शुभा? पारो और बच्चे? पारो खाई से जंगल में भागे। हाँ? जंगल में। मैं भी जंगल जाता हूँ। ए हटो, हटो शुभा। शुभा, शुभा, ए शुभा। बुधवा। थाने चलते। रुद्रा को ये बताते। चल जाओ जाओ। रुद्रा, 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 क्या हुआ? रुद्रा, पारो बाबी और बच्चों के पीछे ठाकुर के आदमी पड़े, वो खाई के रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे। उन्हें बचा लो रुद्रा, उन्हें बचा लो, बचा लो रुद्रा। अरे मिश्रा जी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। सौ बार जन्म नहीं मिलता, मिलता है एक बार। सौ बार जन्म नहीं मिलता, मिलता है एक बार। रिश्ते खून के नहीं बनते बार बार। लुट जाए, मिट जाए, कट जाए इंसान रिश्तों के लिए। जाएगी कहाँ? कहीं छुपी होगी। आंख तीसरी खोल दे, दुश्मन को ये बोल दे। उड़ा दे दुश्मन की निंद्रा। क्या सोच रहा है रुद्रा? दिखा प्रलय की मुद्रा।
हाँ बेटा प्यास लगी है बाबूजी। प्यास लगी है? ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। नहीं, पर तुम लोग यहीं ठहरो, जामा के पास। आजा बेटा। चल रुद्रा, तेरा खेल खत्म अब। पारो को और बच्चों को छोड़ दे उधम। पारो को और बच्चों को छोड़ दे उधम। नहीं छोड़ता। क्या करेगा? ताकत आजमाएगा? रुद्रा में शायद इतनी ताकत नहीं उधम, लेकिन एक बाप की ताकत को मत आजमाना। अच्छा, मालिक का हुक्म नहीं होता ना तो तुझे चीर डालता। चल चल चल। रुद्रा मार डाल उसे। चल चल मार। अरे चल मार। मालिक वो। अरे कहाँ मालिक मारी कर रहे हो? कहाँ है रुद्रा? मालिक वो रुद्रा ने उधम को मार डाला। साला 20 लोग गए थे ऊका जंगल में पकड़ने और तुम दबाकर भागा है। कहाँ है रुद्रा? टंगवा दूंगा बाहर, समझा? जी मालिक। रुद्रा छोड़ के कर। चाहूं तो मैं आपका भेजा उड़ा सकता था मालिक, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अनखा है मैंने आपका। आपके बेटों ने मेरी मुनिया पर बलात्कार किया, मैंने दोनों को मार डाला और इसका मुझे कोई दुख नहीं मालिक, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई भी बाप होता तो वो भी यही करता।
मैं जानता हूं कि कोरट की नजर में ही गलत है और इसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मालिक पारो और बच्चों को जीने दो, उनकी तरफ आग भी उठाकर मत देखना, ये मेरी विनती है आपसे। पारो और बच्चों को लेकर भरतपुर जाओ, वहां हमारे भाई साहब हैं ठाकुर बीरेंद्र प्रताप सिंह, वो तुम्हारी मदद करेंगे और वही अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देना। पर भरतपुर तो बहुत दूर है यहां से। आधा घंटा में रेलगाड़ी छूटती है भरतपुर के लिए, तुरंत निकलोगे तो पहुंच जाओगे। जाओ। दरवाजा खोलो, हम वचन देते हम कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा खोलो, ठकुराइन दरवाजा खोलो, नहीं तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारे। अरे मार डालो, वैसे भी का रखा है जिंदगी में, बेटी मर गई तो जवान बेटों की लाशें पड़ी हैं बर्फ घर में, क्रिया कर्म किए बिना। अरे कोई है, दरवाजा खोलो ठकुराइन। कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं साहब, बच्चों के खातिर भरतपुर जा रहे हैं साहब। रुद्रा वहीं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। अच्छा, अब उस ठाकुर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा? अरे स्वर्ण लाए उसके नाम। क्या साहब? क्या साहब? अरे तुम नहीं समझोगे। चलो चलो जाओ जाओ, जय राम जी के, जाओ जाओ। राम राम साहब। मालिक, रुद्रा ने उधम को मार डाला। मालिक मालूम है हमका, वो यहाँ भी आया था, अब रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब हमरा बात ध्यान से सुनो, आधा लोग रेलवे क्रॉसिंग पे जाओ और ट्रेन रोक के उमर चढ़ जाओ और आधा लोग स्टेशन के वास्ते जाओ, हो सकता है रास्ते में मिल जाए। जाओ। अरे रुक जाओ। ठकुराइन, ठकुराइन। रुक जाओ। मैं तो भरतपुर जा रहा हूँ अपने आप को पुलिस के हवाले करने। रुद्रा, सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बोलो। बाबूजी, वो गाड़ी गाड़ी पिछले स्टेशन से निकल पड़ी है, आ जाएगी। चलो तुम बैठो। अरे नहीं, चलो बैठो। जय राम जी की ठाकुर, बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे हमारे ही दो आदमी को मार दिए, अब सड़ोगे जेल में तुम। ये देखो कालाए हैं। अरे स्वारंट, बहुत मस्ती चढ़ गई है। अरे भाई तुम्हें चढ़ी है। अरे हमरे खिलाफ वारंट लाए हो, अगर तुहार वर्दी ना उतारी तो हमारा नाम भी अवध नारायण सिंह नहीं। वो तो बाद में, अभी इधर से चलते हो कि चमड़ी उधेड़ के की तरह घसीटता हुआ ले जाओ। तो
तुझे मारने में मुझे दुगनी खुशी होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तू है। अरे मूर्ख है तू ठाकुर। अरे भाई, भरी हुई पिस्तौल हम अपने पास कभी नहीं रखते। भरोसा नहीं तो चला चला चला। अरे चला। अरे बुर्बक, पुरानी आदत है हमारी। मैं हमेशा पहला खाना खाली रखता हूँ। बड़े दुख की बात है कि तुझे मार कर अपनी वर्दी से हाथ धोने पड़ेंगे, मगर तुझे मारने का नशा उसे ज्यादा होगा। कई धोखा, पीछे से गोली। Yeah.
मार मार के थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ये हमें जीने नहीं देगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रुद्रा ने जो कुछ किया वो कानून की नज़रों में अपराध है, परंतु जिन परिस्थितियों में रुद्रा ने एक कदम उठाया उसे ध्यान में रखते हुए ये अदालत रुद्रा को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है।